الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وقولوا للناس حسنا محترم حاضرين اسلامي بھائیو بزرگو نوجوان ساتيو جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا آج کے درس کا موضوع ہے گفتگو کے آداب اللہ हमें बेशुमार नमतों से नवाजा है हम अपने जिस्म के अंदर अगर अल्लाह रब्लमीन की नमतों को देखें तो जिस्म के अंदर ही बहुत सारी नें हैं अल्लाह रब्लम की इन नमतों की कदर व क़ीमत आप उनसे पूछें जो इन नमतों से महरूम हैं पैर की क्या कदर कीमत है जिनके पास पैर नहीं हैं आप ज़रा उनसे पूछें हाथ की क्या और क़ीमत है जिनके पास हाथ नहीं हैं चाहे दोनों या एक हाथ की क्या क़दर क़ीमत है आप उनसे ज़रा जा कर पूछें आँख कान इसी तरह से दीगर आज़ा जिनके पास नहीं है आप ज़रा उनको जाकर पूछें कि उन अज़ा की क़द्र क़ीमत क्या है लेकिन उन नमतों में दो नमत इंतहाई अहम तरीन हैं। एक तो दिल है जो पूरे जिस्म को बल्कि इंसान के वजूद को कंट्रोल करता है और दूसरी नमत ज़बान है ये जो ज़बान है यह असल में दिल का तर्जमान है दिल के अंदर जो बातें जो सोच जो फ़िक्र और इसी तरह से जो भी ख्यालात उभरते हैं पैदा होते हैं जागते हैं इंसान ज़बान के ज़रिए से दिल की उन बातों को सामने वाले से इजहार करता है तो इस माना करके चूँकि इंसान की तमीज़ करने की जो सलाहियत है वो दिल के ज़रिए से इंसान अच्छाई और बुराई की तमीज़ करता है और दीगर मखलूक़ात खूस जानदारों से इंसान इस एतबार से मुमताज़ है कि अल्लाह सुबहान इंसान को सोचने समझने और अच्छाई और बुराई की तमीज़ करने के लिए एक बेहतरीन जिसम का उज्व दिया है दिल की शक्ल में इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिल की बड़ी अहमियत बयान की है और आपने इसके ताल्लुक़ से मुहतात रहने का हुक्म दिया है आपने फरमाया, इन फ़रमायाफिल जसद मुदगा इधा सलुसलहल जसदकुल्लो सुन लो कि जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है अगर वो सालह यानी अच्छा है तो फिर पूरा जिस्म अच्छा होगा और अगर उसके अंदर ख़राबी होगी व इधा फसदत फ़सद जसदकुल्लू तो पूरा का पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा अला वहीब सुन लो और वो दिल है तो इस अंदाज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की अहमियत को हमारे सामने उजागर किया है और ये जो दिल है ये दिल मुकम्मल तौर पर इंसान के हर एक हरकत सकनात हर एक कौल हर एक बात हर एक अमल यहाँ तक के इंसान अगर सांस भी लेता है तो इसका ताल्लुक़ दिल से है कि इंसान का दिल अगर वो काम करना बंद कर दे इंसान का दिल जो उसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करना छोड़ दे, तो फिर इंसान फिर इंसान ना रहे और इंसान की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए ये नौबत तक आ जाती है और आजकल जो दिल की बीमारी पैदा होती है उसके ज़रिए से हम बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं तो अल्लाह सुबहान ताली ने इंसान को एक बेहतरीन नमत दिल की शक्ल में दी है और इस दिल को सही तौर पर इंसान दूसरों के सामने उसके अंदर जो बातें जन्म लेती हैं जो बातें उभर कर आती हैं तो ज़बान के ज़रिए से एक इंसान दूसरों तक ये बात कहता है तो गोया के दिल और ज़बान ये इंतहाई अल्लाह रब्लम की दो नमतें हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इसके सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल के हवाले से क़ुरान हदीस के अंदर बयान हुए हैं ये जो आज का मौजू है गुफ्तु के आदाब गोया कि ये गुफ्तगू के आदाब का ताल्लुक इन्हीं दोनों नियमतों से है दिल से भी है और ज़बान से भी है चूँकि आम तौर पर ज़बान से इसका ताल्लुक है ज़ाहिर ज़बान कह दी जाए तो दिल खुद ब खुद मुराद हो जाती है क्योंकि ज़बान वही बात कहती है जो दिल कहता है दिल जो कहने के लिए कहता है ज़बान उसी की तर्जमानी करती है इसलिए गुफ्तु के आदाब के अंदर आम तौर पर ज़बान की अहमियत को उजागर किया जाता है तो ज़बान की अहमियत क्या है ज़बान की अहमियत आप अगर जानना चाहते हैं तो आप अल्लाह के नबी सली व्म की उनहादीस को देखें कि जिसके अंदर आप सलील्हु वम ने बार बार ज़बान की हिफाजत की ताक़द की और बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान के खतरात से डराया है इन आज के इस दर्ज के अंदर इस बात के हवाले से गुफ्तु की जाएगी कि हम जबान से कौन सी ऐसी गुफ्तु करें कि जो गुफ्तु आपके लिए आपकी शख्सियत के लिए और इसी तरह से माशरे के लिए आपके आस पास के लोगों के लिए सब के लिए खैर हो सब के लिए बेहतरी हो और हकीकत ये है कि एक ईमान वाले को इस बात से खुश होना चाहिए कि उसको एक ऐसे दीन पर अमल करने या ऐसे दीन को कबूल करने कि की तरफ़ से तौफीक मिली है जो दीन गुफ्तगु के आदाब यहाँ तक के गफ्तु के अंदर बारीक से बारीक चीज़ों को किस अंदाज़ में लोगों के सामने बयान करें इसके आदाब भी सिखाए हैं तो ये भी अल्लाह आलमीन की बहुत बड़ी तौफीक है और बहुत बड़ा अल्लाह ताला का फ़जल भी है मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है जो सुरह के अंदर है जिस आयत के हवाले से शेख इम्तियाज़ रहमानी हफि ने आपके सामने कुछ गुफ्तु की है गुफ्तु के आदाब के ताल्लुक़ से सबसे बुनियादी आयत यही है गुफ्तु के आदाब के ताल्लुक से सबसे बुनियादी आयत हैं आप अगर गुफ्तु के आदाब के हवाले से यह हमारी बात कैसी होनी चाहिए बात का अंदाज कैसे होना चाहिए और बात जो हम कहेंगे जो जुमला इख्तियार करेंगे जुमले के अल्फाज जो इख्तियार करेंगे वो कैसे होने चाहिए इसी तरह से किस मौके और महल में कौन सी बात कही जानी चाहिए सामने वाले के हालात और अहवाल को देखते हुए किस एतबार से बात कही जानी चाहिए वह कि इन तमाम बातों का या इन तमाम सवालात का जवाब सिर्फ एक आयत के अंदर दे दिया गया है क्या कहा गया है यह अय्दी व वक़ूल क़ौलन सदीदा ऐ मन वालो अल्लाह से डरो और कौल सदीद कहो कौल सदीद एक तो शदीद होता है शदीद शन से वो सदीद का बिल्कुल अपोज़िट है और इस सदीद सीन है सीन सदीद कौल सदीद किसे कहते हैं दुरुस्त बात को कौल सदीद दुरुस्त बात को कहते हैं अल्लाह रब्बुल रब्लमिन ने ईमान वालों को यह हुक्म दिया कि एक तो अल्लाह ताली का तकवा इख्तियार करो और तुम दुरुस्त बात कहो दुरुस्त बात यह दुरुस्त बात क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपकी बात दुरुस्त कब होगी जब आपकी बात के अंदर सच्चाई होगी अब देखें इसके अंदर इसकी तफसील जानने की ज़रूरत है हमें कि अल्लाह आलमीन ने ईमान वालों को चूँकि हम ईमान वाले हैं और हमें हुक्म दिया गया मतलब हम पर वाजिब है कि हम कौल सदीद कहें तो एक तो कौल सदीद वो है जिसके अंदर सच्चाई होगी अगर आपकी बात झूठी है तो फिर ऐसी सूरत में वो कौल सदीद नहीं हो सकती तो पहली चीज़ है कि आपकी बात के अंदर आपकी गुफ्तगू के अंदर सच्चाई पाई जाए झूठ की आमजिश ना हो ऐसे ही कौल सदी गीबत से खाली हो कौल सदीद यानी यानीदा बात बेहतरीन बात वो होगी जो चोगलखोरी से खाली हो कौल सदीद वो होगी जो वादा खिलाफी से खाली हो कौल सदीद आपकी या आपकी दुरुस्त बात वो होगी कि जिसके अंदर दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाई जाती हो आपकी दुरुस्त बात तभी मानी जाएगी जब आपकी बात से किसी की दिल आजारी ना होती हो आपकी बात दुरुस्त तभी मानी जाएगी जब आपकी बात से फसाद ना पैदा होता हो आपकी बात दुरुस्त तभी मानी जाएगी जब आप सामने वाले के अहवाल का एतबार करते हुए कि कौन सा इंसान किस पोजिशन में है किस हालत में है उस वक्त आप बात कहेंगे तो फिर आपकी बात क़ौल शदीद होगी यानि आपकी बात फिरदा बात हो सकती है ऐसे ही आप जब बात करेंगे तो ये तो आपके जुमले और आप जो अल्फाज इख्तियार करेंगे उन अल्फाज के इख्तियार करने में जो सच्चाई या फिर झूठ दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो या तो वो कौल सदीद या फिर कौल सदीद नहीं इसके अंदर आपका लहजा भी शामिल है कभी कभार आप की बात बहुत अच्छी है जुमले अच्छे हैं अल्फाज अच्छे हैं उसके अंदर झूठ की कोई आमजिश नहीं उसके अंदर आप ऐसे अंदाज में बात करते हैं या आप ऐसे जुमले का इंतखाब करते हैं कि जिसके अंदर गीबत नहीं चोल खोरी नहीं फसाद नहीं बिगाड़ नहीं सब कुछ ठीक है लेकिन लहजा कभी कभार लहजा जो है लहजे की वजह से सामने वाले को तकलीफ़ हो जाती है या लहजे की वजह से आपकी बात उम्दा बात नहीं हो पाती आप बिल्कुल सच बोलते हैं लेकिन ये जो आपके बोलने का एक लहजा होना चाहिए वो लहजा आपका गलत है तो इस अतबार से आपकी वो बात फिर दुरुस्त बात नहीं हो सकती है इसलिए आलमीन ला ने जाम अंदाज में एक बेहतरीन बात वो भी तीन अल्फाज पर मुश्तमिल क्या कहा वक़ुलू कौलन सदीदा और कहो उम्दा बात कौल सदीद कहो तो इसके जरिए से गुफ्तु करने के जो दुरुस्त तरीका जितना भी हो सकता है उसके आदाब जितने भी हो सकते हैं अल्लाह ने इसी में बयान कर दिया है इसलिए इस आयत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के अंदर पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी वसल्लम चार आयतें पढ़ते थे तो उनमें से एक आयत ये भी है الذين यादीन اتقوا الله وقولوا सदीद ईमन वाल से डरो और कौल सदीद कहो तो कौल सदीद की बड़ी अहमियत हैं ये जो गफ्तु है गफ्तु अगर हम देखेंगे ज़बान की अहमियत के तहत तो गुफ्तु हमारी शख्सियत की पहचान होती है हम कितने पानी में हैं ये हमारी गुफ्तगु से पता चलता है हमारे अंदर कितनी सलाहियत है यह हमारी गुफ्तगू से पता चलता है अखलाक हमारे कैसे हैं यह हमारी गुफ्तगू से पता चलता है इसी तरह से हमारे दिल के अंदर सोच और फिक्र और ख्यालात कैसे हैं यह गुफ्तगू से पता चलता है इसी तरह से गुफ्तगू से पता चलता है कि किस तरह की परवरिश आपकी हुई है तरबियत किस अंदाज में हुई है गुफ्तगू से पता चलता है कि आपके पीछे जहां आप रहते हैं वहां के लोग कैसे हैं इसी तरह से गुफ्तु से ये भी पता चलता है कि आप जिससे गुफ्तगु कर रहे हैं सामने वाले को किस हैसियत का आप समझते हैं और गुफ्तु के ज़रिए से आपके हर अमल का पता चलता है आपके आपकेदे का पता चलता है आपके अमाल का पता चलता है आपके मुख्तलफ़ जो सोच फ़िक्र उठना बैठना लेन देन ये सब कुछ गुफ्तु से पता चलता है तो इंसान की शख्सियत जैसे इंसान हम कहते हैं कि इंसान है तो बतौर इंसान के किसी के सामने जब आप पेश करते हैं अपने आप को तो इसी गुफ्तगु के जरिए से पता चलता है कि आप इंसान हैं और यही वजह है कि हम अपने आस पास इतने सारे जानदार को देखते हैं लेकिन अल्लाह आलमीन ने दिल की बात की तर्जमाने करने के लिए उनको जबान नहीं दी है वो बोल नहीं पाते समझा नहीं पाते लेकिन इंसान ऐसे हैं कि जो बोलते हैं इंसान ऐसे हैं कि जो अपने दिल की बात दूसरों के सामने वो भी आमदगी के साथ रखने की क़वत रखते हैं तो ये वाकई मानों में गुफ्तु के ज़रिए से एक इंसान की पहचान होती है कि ये एक इंसान है अल्लाह के नबी सल्हलम ने गुफ्तु के आदाब ना ही कि सिर्फ़ अपने ज़बान मुबारक से हमें बतलाए हैं बल्कि आपने अमली तौर पर दिखाया है कि किस वक्त किस अंदाज में कैसी गुफ्तु होनी चाहिए सबसे पहले हम ये सोच लें कि गुफ्तु के दो पहलू हैं एक पहलू तो ये कि जिसके अंदर आप मस्बत अंदाज में बात करते हैं और दूसरा पहलू ये कि मनफी अंदाज में बात करते हैं मुसबत अंदाज में बात जो मैंने ज़िक्र किया कि झूठ फरेब धोखा वादा खिलाफी फसाद बिगाड़ इन तमाम चीज़ों से पाक साफ बात वो मुसबत अंदाज की बात है और वो बात जिसके अंदर ये तमाम बुरी खसलतें पाई जाए ये मनफी अंदाज की बात है हम अपने माशरे के अंदर जब एक दूसरे से बात करते हैं तो बात करने का जो तरीक़ा अपनाते हैं तो कभी हमारा तरीक़ा मस्बत होता है और कभी हमारा तरीक़ा मनफी होता है ताल्लुक के अतबार से किसी के साथ हम अच्छे अंदाज में बात करते हैं किसी के साथ हम बुरे अंदाज में बात करते हैं हालत के अतबार से भी कभी ऐसी हालत हमारी खुद रहती है कि उस वक्त बात बुरी निकल जाती है और कभी हालत ऐसी रहती है कि उस वक्त बात अच्छी हम करते हैं तो ये अलग अलग अंदाज होता है ईमान एक ऐसी चीज़ है कि एक मोमिन को ये बतलाता है कि तुम्हें हर मौके पर चाहे वो किसी भी हालत में तुम रहो यहाँ तक के गुस्से की हालत में भी रहो यहाँ तक के तुम्हारी हालत कैसी भी हो तुम गुफ्तु तुम्हें कैसी करनी चाहिए गुफ्तु का अंदाज़ कैसे होना चाहिए यह हमें ईमान बतलाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में जो पहली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है और पहला फरमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उस बात पर हमें अमल करना चाहिए वो ये कि मनका नबी उमिल आखिर जो अल्लाह पर और योम आखिरत पर ईमान रखे फलयुलयसमुत तो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे वरना ख़ामोश रहें तो गुफ्तु के आदाब में से पहला अदब यही है गुफ्तु के आदाब में से पहला अदब यही है कि आप अगर अच्छा बोल सकते हैं तो आप बोलें वरना ख़ामोश रहें अगर इस बात पर आपका अमल हो गया तो समझिए कि आपकी नजात हो गई उसकी वजह यह है कि खामोश रहना ये नजात की आलामत है और ज्यादा बोलना हलाकत की आलामत है और जबान के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुसम ने जो नसीहतें की हैं आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने बार बार ताक़ीद की है आपने एक हदीस के अंदर फरमाया अम सिख आल आपसे पूछा गया मन नजा नजात क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो नजात इसी में है कि तुम अपनी जबान को कंट्रोल में रखो और तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो और अपने गुनाहों पर रोया करो तो ये तीन चीजें हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही न है तो पहली चीज़ जिसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये कि अमसिक आलही के लिसान तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो अब जरा देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबान को कंट्रोल में रखने के लिए क्यों कहा क्योंकि ज़बान की जो हलाकतें हैं वो बहुत ज़्यादा है इसकी हलाकत ऐसी है कि हर सुबह को जिस्म के हर आज़ा ज़बान को नसीहत करते हैं और जबान से वो पनाह तलब करते हैं ज़बान की हलाकत से पनाह तलब करते हैं क्योंकि ज़बान जो बोल देती है फिर उसके एतबार से बात का निफ़ाज़ जिस्म के अज़ा पर होते हैं ज़बान ने अगर कह दिया कि ये काम करना है तो हाथ को करना पड़ेगा ज़बान ने कह दिया मुझे ठीक है आना है तो फिर पैर को जाना ही पड़ेगा ज़बान ने कह दिया ठीक है आपकी बात मैं सुनूंगा इतने वक्त की बात तो काम को सुनना ही पड़ेगा क्योंकि जबान ने कह दिया है तो जबान कुछ भी बोलती है हर एक अजा को उसके मुताबिक चलना पड़ता है क्योंकि असल जबान दिल की तर्जमानी करती है और दिल जो कुछ सोचता है या जो कुछ दिल के अंदर ख्याल आते हैं जिसम के अजा उसी हिसाब से अमल करते हैं और चूंकि दिल के अंदर की बात जबान के ज़रिए से बाहर आती है इसलिए हर एक उज्व को दिल की बात माननी पड़ती है इस वजह से हर एक अज्व हर सुबह को जबान की हलाकत से पना तलब करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने इसी वजह से कहा कि अमसिक आलै के लिसानक तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो तो तुम नजात पा जाओगे तो गुफ्तु के आदाब में से पहला अदब ये है कि हम जब गुफ्तु करें तो पहला तो ये कि हम खैर ही बोलें वरना खामोश रहें अगर बोलना चाहते हैं तो खैर की बात कहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर कारबंद होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कभी कोई खैर के अलावा बात निकली ही नहीं अब ज़रा सोचिए कि खादिम रसूल खादिम हमारे यहाँ खादिम अगर किसी के यहाँ पर है तो खादिम के कोई वक़ात नहीं होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादिम थे अनस रज़ी अल्लाह तआला हो क्या कहते हैं ये खादिम आम तौर पर अगर आपके बराबर के लोग हैं तो आप अच्छी बात कहने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके नीचे आपके मातहत काम करने वाले हैं तो जहाँ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी आप गु़स्से के साथ बात करेंगे वहाँ पर भी आप उल्टी सीधी बात कर देंगे तो अगर खादिम गवाही दे मतलब कि बहुत बड़ी गवाही है क्योंकि खादिम के साथ आम तौर तो पर लोगों का रवैया वैसे नहीं रहता जैसे बराबर वालों के साथ रहता है तो ये खादिम रसूल अनसर उदी अल्लाह तन क्या बोलते हैं नबीम के बारे में क्या अलैहि वसल्लम की मैंने दस साल खिदमत की दस साल में आपने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा आप जरा सोचिए ज़बान क्या है ज़बान खोलने में इंसान को वक्त लगता है सेकंड भर का काम है यानी होंठ जो है बहुत आसान है ज़बान खोलना बहुत आसान है इंसान सोचा नहीं कि फौरी तौर पर होंठ खुलते हैं और अल्फाज को बोलने में भी वक्त नहीं लगता है ऐसा नहीं है कि अल्फाज को गढ़ने में बोलने में थोड़ा जैसे मशीन में वक्त लगता है किसी चीज़ को बनाने के लिए तो इंसान को ऐसा वक्त नहीं लगता है कि चलो ठीक है वो प्रोसेस एक के बाद एक प्रोसेस हो करके वो फिर बाहर आते फौरी तौर पर एक सेकंड के अंदर इंसान कुछ ऐसी बात कह देता है कि इंसान खुद फिर बाद में पछताता है और वो फिर हलाकत का शिकार हो जाता है तो वाकई मानों में जबान को बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होती है ज़रा सोचिए कि दस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने खिदमत की दस साल में कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि इंसान से जैसे कभी ऐसी बात निकल भी सकती इंसान होने के नाते हो सकता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि आपल् इस मामले में कि खैर ही बोला जाए इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वंड्रेड परसेंट परफेक्ट थे कि आपकी जबान से कभी उफ तक ना निकली किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला बात कहने में करने में एहतमाम करते थे आप सल्ला के गुफ्तु के जो आदाब होते थे चूँकि ये पहला जो अदब बताया गया आपको कि बोला जाए या खामोश रहा जाए इस पहलू को अगर देखेंगे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कब कैसी बात करनी है यह हम सोचते नहीं समझते नहीं चूँकि ज़बान खोलना बहुत आसान है इसलिए हम बहुत जल्दी ज़बान खोल देते हैं और जिस चीज़ का इस्तेमाल दिन भर में सबसे ज़्यादा हम करते हैं इसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। यानी काम हाथ के ज़रिए से पैर के ज़रिए से या दीगर और चीज़ों के ज़रिए से हम लेते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हम जबान के ज़रिए से काम लेते हैं ज़बान के ज़रिए से अल्फा दिन भर में हम आप अगर हम सोचें कि दिन भर में कितने अल्फ़ बोले हमने तो ना जाने कितने सारे जुमले हम बोल चुके हैं हज़ारों जुमले बोल चुके कितने सारे वर्ड्स ऐसे हैं अल्फ ऐसे हम बोल चुके सुबह से लेकर अगर पैमाने के ज़रिए से हम मालूम करें कि दो खाना बनाया जाए एक के अंदर उम्दा बात और दूसरे के अंदर बुरी बात तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं आपकी बात के अंदर कितनी उम्दगी है या आपकी बात के अंदर कितनी बुराई है इसकी वजह क्या है इसकी वजह यही है कि बात करने का जो सलीका जो आदाब हमारे सामने होना चाहिए कि कब किस मौके पर किससे किस अंदाज में बात कही जाए वो हमें नहीं मालूम होता है और ये चीज़ हमें अल्लाह के नबी वसल्लम कि ज़बान मुबारक से हमें सीखने को मिलता है और आप सल्ला के अमल से हमें सीखने को मिलता है कि आपने कब किसके साथ किस अंदाज़ में गुफगु की ऐसा नहीं कि आप सलील जैसे गुफ्तु का मामला क्या है हर एक के साथ आप एक ही जैसे गुफ्तगु नहीं कर सकते लोगों का आपके साथ रवैया अलग अलग होता है बीवी के साथ गुफ्तु दोस्त के साथ जो आप गुफ्तु करते बीवी के साथ कर सकते नहीं कर सकते बीवी के साथ जो गुफ्तु होती है दोस्त के साथ कर सकते हैं नहीं कर सकते आप दुकान में हैं कस्टमर के साथ आप जिस अंदाज में बात करते हैं क्या वही बात घर पे आके बच्चों के साथ कर सकते हैं नहीं कर सकते बच्चों वाली जो बात है वो आप बड़ों के साथ कर सकते हैं नहीं कर सकते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीज़ों में जिसके साथ जिस अंदाज में बात करनी चाहिए उस अंदाज में बात करते थे उस अंदाज में बात करते थे अब देखा आयशा रुदी अल्लाह तह की रिवायत देखे गुफ्तु का तरीक़ा पता चलता है बीवी के साथ है तो नबी है तो ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि नबी है तो हर जगह मतलब उससे अंदाज़ कर बीवी के साथ बीवी जैसे मोहब्बत भरी बात करते थे आप चूँकि आप सौ सल्म भी इंसानी थे क्या आपली वल्लम ने कहा एक बार का वाक़ है कि आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो ना मुझे पता चल जाता है तो कहा कि अल्लाह के रसूल कैसे कहा कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो तुम कहती हो किब इब्राहिम इब्राहिम के रब की कसम तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो और जब मुझसे खुश होती हो तो रब मोहम्मद बोलती हो नहीं मोहम्मद के रब की कसम मतलब क्या मुझे छोड़ देती हो मतलब कभी तो मेरा नाम लेती हो कभी इब्राहिम सलाम का नाम लेती हो तो आयशा रदी अल्लाह कहती है कि अल्लाह के नबी सल्ह वम सिर्फ़ आपका नाम छोड़ती हूँ मैं दिल में मोहब्बत बाकी है अब देखिए ये मोहब्बत भरी बातें बीवी से कैसे होनी चाहिए ये भी किससे सीखना चाहिए हमें अल्लाह के नबी सल्ला वल् से और ये वाली बात अवबकर से कर सकते थे नहीं कर सकते थे ना एक नौजवान से फिर बात कैसे करते नौजवान से उसी अंदाज़ में बात करते अब जाबिर रदी अल्लाह तु नौजवान थे इनके वालिद का इंतकाल हो गया था अब इनकी बहनें थी कई बहनें इनके वालिद छोड़ गए थे अब ये परेशान रहते थे चूँकि इनके वालिद पर कर्जा भी था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार थे और साथ में जाबिर रज़ी अल्लाह तआला तु भी थे तो आपने कहा जाबिर शादी हुई कि नहीं हुई अब देखिए नौजवान है मसला इस अंदाज़ का जो अहमियत वाली बात है उसी अंदाज में करनी चाहिए नौजवानों का जो ज़्यादा अहम मौजू होता है शादी को लेकर फिक्रमंदी ये और बात है कि आज के नौजवान शादी से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पहले ज़माने में शादी एक बहुत बड़ी चीज़ थी बल्कि पहले ज़माने छोड़ आज से 20-30 साल पहले ही नौजवानों के लिए शादी बहुत अहम तरीन चीज़ थी यानी ज़िंदगी का एक हसास तरीन मसाला क्या था यही शादी था आज तो खिलवाड़ बना दिया गया शादी से पहले भी और शादी के बाद भी शादी को निकाह को खिलवाड़ बना दिया गया तो आप सल्ला वे तो किस अंदाज़ में बात की कि जाबिर तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई तो जाबिर ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्ला वसम हाँ मेरी शादी हो गई कहा किससे से की है सै्यबा से कि बाकिरा से सबा मतलब यानी ऐसी औरत जो पहले से शौहर वाली थी और शौहर का इंतकाल हो गए तलाक हो गए तो कहा कि नहीं अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सै्यबा से किया है मतलब बाकिरा से करना चाहता थाने कंवारी से करना चाहिए था तुम्हें अब नौजवानों के दिल की बात कर रहे कंवारी से करना चाहिए था तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो बहनें आप तो जानते ही हैं तो क्या आप ये चाहते हैं कि एक कंवारी ले आऊं और सारे ये छोटी छोटी बच्चियाँ सब मिल के खेल खेलते रहें और घर में ना खाना बने ना कुछ इसलिए मैंने सही बात से शादी की तजर्बा करा औरत से ताकि घर को वो संभाल सके तो अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का मौजू एक नौजवान के साथ कैसा होता था तो गुफ्तगू कब किस अंदाज़ में करनी चाहिए वो तरीका आना चाहिए कभी कभार गुफ्तगु ऐसा है कि सामने वाली की हालत के अतबार से गुफ्तु करना ही नहीं चाहिए एक मरतबा का वाक़ है हमजा रजी अल्लाह तन हमजा रदी अल्लाह हो। अब उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी पहले तो शराब बिल्कुल पीना जायज था हमजा रजियाल्ला ये असल में एक औरत के कहने पर शराब पिए हुए थे अब शराब की हालत में अकल पर पर्दा पड़ जाता है लोगों को बात समझ में नहीं आती है क्या करे क्या ना करे तो एक औरत ने कहा क्या तुम वो जो ऊँटनी है उस ऊँटनी को ज़बा कर सकते हो मेरे लिए अब ये शराब पिए हुए थे जाकर ऊँटनी को ज़बा कर दिया और वो ऊँटनी अली रदील्ल तौ की थी और अली रजियाल्ला तौने वह ऊँटनी वलीमा में ज़बा करने के लिए रखे हुए थे अब अली रजील्लाह मतलब आपने उनकी परवरिश की उनके पास मालूम नहीं थे है ना आप सुनते होंगे ना कि अली रज़ी अल्ला तो आपसल्लम ने चक्की दिया फिर वो तकिया दिए तो आपसम की परवरिश में थे तब जाकर ने ये सब कुछ दिया था कुछ लोग क्या कहते हैं कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तो को कद्ल आपने जहेज़ दिया था तो ये जहेज़ को उस अंदाज़ में लोग बयान करने की कोशिश करते फातिमा को नहीं दिया था चूँकि अल्लाह के नबी सल्लह वसम की परवरिश किसने की थी अबू तालिब ने और अल्लाह के नबी वसल्लम ने अबू तालिब के बेटे आली रदी तनों की परवरिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल असम नेली रदीअल्ल तनों की परवरिश करने की वजह से वो जो निकाह के बाद ज़रूरत के सामान थे वो आपने दिए थे वो जहेज़ के तौर पर नहीं दिए थे अब अली रदील तनों के पास एक ऊँटनी थी ज़बा करने के नाम पर और कुछ था नहीं उनके पास अब वो भी ज़बा कर दिए हमजा अल्लाह रजियाल्ला रोते हुए के वसल्लम के पास पहुँच गए नौजवान थे रोते हुए पहुँच गए अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए आपके चाचा ने क्या किया मेरी उठनी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि आए और वो शराब पिए हुए थे मतलब जहन में कोई ऐसी वैसी बात नहीं आनी चाहिए उस वक्त इस्लाम में हराम नहीं किया गया था जब हराम किया गया तो किसी ने एक घोट तक हाथ नहीं लगाया बल्कि फौरी तौर पर उसको जिसके मुंह पे शराब थी वो भी उसको उगल दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया इसको तो हराम करने से पहले की ये बात है इसलिए दिल के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए कि सहाबी तो शराब कैसे पी रहे थे उस वक्त लोगों की आदत थी वो जैसे हम लोग चाय पीते हैं उनके यहाँ पर शराब बाकायदा पेश की जाती थी मेहमानों के लिए तो हमज़ा रजी अल्लाह त से आप गुफ्तू करने लगे कि चचा आपने क्या कर दिया ये जो है ये तो अल्लाह रदील्ला के पास एक ही वोट थी आपने उसको भी ज़बा कर दिया अब वो शराब पिए हुए थे तो आप सलाम मुसलमान हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमजा अल्लाह हमजादी ने कहा कि अय मोहम्मद तुम भी मेरे गुलाम हो तुम्हारे बाप भी मेरे गुलाम हैं अब शराब पिए हुए थे इस अंदाज की बात की तो आप सलील वम ने गुफ्तु को तर्क कर दिया वहाँ से फ़ौर चले क्योंकि गुफ्तगू का कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो कभी कभार हमारी ज़िंदगी के अंदर गुफ्तु करने का जो तरीका है सामने वाले के अहवाल के अतबार से गुफ्तु करना चाहिए के सामने वाले किस पोजीशन में कभी कभार हम इस हालत में गुफ्तु करने लगते हैं घर में भी आप बीवी से कभी कभार इस हालत में आप बात जबरदस्ती करने लगते उस हालत में नहीं है ऐसे आप अपने बेटों से कुछ कहते हैं वो उस हालत में नहीं होते हैं या अपने वालिद से कुछ कहते हैं उस हालत में वो नहीं होते हैं या अपने दोस्त से कुछ बात कहते उस हालत में वो नहीं होते तो ये जो तरीक़ा है सलीका है गु, गुफ्तु के आदाब का ये सलीका हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने की ज़रूरत है ये गुफ्तु सिर्फ ये बात नहीं है कि आप अच्छी बात सच बात और गिबत से पाक और चुगल खोरी से पाक फसाद और इसी तरह से दोगले पन से पाक बात हो सिर्फ ये मामला नहीं है बल्कि किस मौके पर किस अंदाज़ में गुफगु करनी चाहिए होनी चाहिए ये भी हमें तमीज़ अल्लाह के नबी से सीखने की ज़रूरत है एक पहलू जो मुसबत पहलू है मुस्बत पहलू ये हैं मनफी पहलू पर गुफ्तगू करते हैं मनफी पहलू जो झूठ आप बोलते हैं जो गीबत आप करते हैं जो आ, फसाद वाली बात करते वो सारे के सारे मनफी पहलू हैं ये तो बिल्कुल कुल्ली तौर पर हराम ही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश है ही नहीं इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं लेकिन मनफी पहलू में आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारे मसले खड़े होते हैं वो रिएक्शन की वजह से यानी आप किसी के बात के जवाब या किसी ने कोई काम किया उसके रिएक्शन में आप जब कुछ बोलते हैं तो वहाँ पर फिर बड़ा मसला खड़ा होता है इसलिए रिएक्शन कैसे होना चाहिए सामने वाले ने कोई बात कही तो उस बात का जवाब कैसा होना चाहिए रद्द अमल कैसा होना चाहिए बहुत अहम चीज है जिंदगी के अंदर रद्द अमल कैसा होना चाहिए यह बहुत अहम चीज है इसलिए अल्लाह आलमीन ने इस सिलसिले में एक उसूली बात कुरान के अंदर फरमा दी क्या फरमाया इदफा फा ही आसन इदफा फा अबिल्लती आसन तुम उम्दा और बेहतरीन अंदाज में दिफा किया करो उम्दा और बेहतरीन अंदाज में दिफा करना दिफा इंसान कब करता है रिएक्शन कब करता है जब सामने वाले की तरफ से कोई एक्शन होता है तब यहाँ से रिएक्शन किया जाता है सामने वाले की तरफ़ से कोई चढ़ाई होती है तब फिर इंसान वो दिफा करता है सामने वाला हमला करता है आप पर जबान के ज़रिए हमला करता है कभी कभार गाली दे देता है कभी कभार कुछ बोल देता है तो फिर अमल के तौर पर आप क्या कहेंगे आम तौर पर घरों के अंदर जो बहुत सारे मसाइल में झगड़े पैदा होते हैं तो उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक इसी रद्द अमल की वजह से रद्द अमल हमारा दुरुस्त नहीं होता हम तशद इख्तियार करते हैं रद्द अमल के अंदर हम गुस्से का इजहार बहुत जल्दी कर देते हैं रद्द अमल के अंदर रद्द अमल के अंदर हम आपा खो देते हैं रद्द अमल के तौर पर हम जब सामने वाले को कुछ बोलने जाते हैं तो सामने वाला जितना बोलता है उससे कहीं ज्यादा हम बोल देते हैं और इसी वजह से रद्द अमल इस माना करके बहुत अहम है कि आपके रद्द अमल से ही वो मामला तय होता है कि आपकी वो बातचीत वहीं पर संजीदगी के साथ रुक जाएगी या फिर आप झगड़े तक और लड़ाई तक बात को आगे ले जाना चाहते हैं तो कभी कभार आपके एक छोटे से रद्द अमल की वजह से लड़ाई तक यहां तक के कत्ल तक नौबत आ जाती है सिर्फ रद्द अमल की वजह से तो बात जो मनफी होती है मनफी बात के अंदर झूठ गीबत चोगलखोरी ये सारी चीज़ें तो है ही है लेकिन आपका जो रिएक्शन होता है बोलने का उस रिएक्शन में आप खता कर जाते हैं और इस चीज़ को अपने अंदर से असलाह करने की जरूरत है और ये चीज़ कुरान के अंदर तो आयत बतला दी गई है कि इदफा अबिलत ही अहसन कि अच्छे अंदाज में तुम दिफा करो जो उम्दा अंदाज है और कुरान ने इसका नतीजा भी बता दिया फ़ैदी बैन को बैन आदावतन का अनहूल हमीम अगर तुम्हारे और उसके दरमियान दुश्मनी भी रहे तुम्हारे और उसके दरमियान दुश्मनी भी रहे तो तुम दोस्त बन जाओगे क्या बन जाओगे दोस्त बन जाओगे अल्लाह के सल्लम की ज़िंदगी में अमल कैसे होता था आप अमल करते थे कि नहीं आप रिएक्शन देते थे जहाँ पर जैसा रिएक्शन देना चाहिए वहाँ पर आप आप्लम तो रिएक्शन देते थे कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि आप समझौता करें किसी मसले में जहाँ पर आपको वाकई मनों में गुस्सा होना है तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा नहीं होना है जैसे कहा गया ना ला तकद गुस्सा ना किया करो तो हर मौके पर नहीं अभी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है और वहाँ पर फिर भी आप हाँ हाँ भर रहे हैं तो वो आपकी खामोशी या आपकी हाँ में हाँ भरना ये अच्छी बात नहीं है ये ईमान के मुनाफी चीज़ है कभी कभार गु़स्सा भी होना चाहिए रद्द अमल के तौर पर लेकिन वो भी भीमदा अंदाज़ में अब एक औरत ने चोरी कर लिया फ़ातिमा नाम की औरत थी अब ऊंचे खानदान की औरत थी अब हाथ काटा जाएगा तो खानदान की नाक कट जाएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफ़ारिश की जाए लेकिन आपसे किसकी हिम्मत है कि इस मसले में बात करें क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि मसले में बख्शने वाले नहीं हैं लेकिन फिर भी वो चाह रहे थे कि हमारे खानदान की औरत की नाक कट जाएगी तो फिर किसको भेजा जाए किसको भेजा जाए पता लगाया कि जैद रदी अल्लाह तहों के बेटे क्या नाम था उसामा उसामा, उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तहों ये अल्लाह के नबी वसल्लम के बड़े चहेते थे आप वसल्लम की गोद में ये परवरिश पाई थी और आप अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा चाहते थे जैद रदी अल्लाह तैालन तो जो आप के आज़ाद करदा गुलाम थे और नबुवत से पहले अलैहि वसल्लम ने उनको मँह बोला बेटा बना लिया था चूँकि मो बोला बेटा किसी को बनाया नहीं जा सकता अल्लाह आलमीन ने कुरान की आयत नाजिल की तो अलैहि वसल्लम ने जो अहद था मोह बोला बेटा वो अहद तोड़ दिया तो सिर्फ़ जैद रदी अल्लाह तन तो आप के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे तो उनके बेटा आपने ख़ुद परवरिश की तो बड़े चहीते थे भेजा गया अब उसामा रदी अल्लाह नौजवान थे आप के पास आते हैं और आपसे कहते हैं अल्लाह के नबी नबीसम वो लोग दीय देने के लिए तैयार है बस एक हाथ ना काटा जाए जैसे ये बात सुननी थी आपका चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया और आपने कहा कि तुमसे पहले के लोगों को इसी वजह से हलाक किया गया कि उनके कमज़ोरों पर हद नाफिज की जाती थी और जो उनके ताकतवर लोग होते थे हैसियत वाले लोग होते थे उन पर हद नाफिज नहीं होती थी तुम क्या चाहते हो कि तुम में से जो गरीब और कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं उन पर तो हद नाफिज हो और ये ऊँचे ख़ानदान वाले हैं इस वजह से उन पर हद नाफिज ना हो अल्लाह की कसम ये तो फातिमा अलमखजूमिया है अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हुई बात थी तो वहाँ पर जो रिएक्शन था उस अंदाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिएक्शन दिया और कहीं पर रिएक्शन इतनी नरमी के साथ कि आप सोचेंगे कि आप सौसम का यह भी है वो वाक़ तो आपको याद होगा कि एक आरबी देहात का रहने वाला शख्स मदीने में आए थे मस्जिद में पता नहीं था मस्जिद किस वजह से नमाज तो पढ़ लिए है ना लेकिन मस्जिद के किनारे पेशाब करने लगे अब देहात के रहने वाले थे ज़्यादा ये सब मामले में वो लोग जानकार नहीं होता आज कल भी जहाँ भी देहात हैं वहाँ के लोग मतलब बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं अब ये कि वो देहात के रहने वाला शख़्स अल्लाह के नबी वसल्लम पर ईमान लाए थे लेकिन पता नहीं था मस्जिद के कोने पे वो पेशाब करने लगे साहबा करम मारने के लिए दौड़ पड़े कि ये कैसा बदतमीज़ इंसान है कि यहाँ पर पेशाब कर रहे मस्जिद में वो भी तो आप सल्लम ने रोका कि नहीं ऐसा ना करो क्योंकि आप जानते थे कि ये इस्लाम में दाखिल हुए और ये देहात से आए हुए हैं इनका जहन दूसरे अंदाज़ का होता है उसके अंदर अक्खड़पन पाया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका और वो देख रहे हैं कि आप रोक रहे हैं फिर आपने साहबा से कहा कि एक बाल्टी पानी लाओ पानी लाया गया बहा दिया आप ने बुलाया ये जो मस्जिद है ये मस्जिद अल्लाह की इबादत कुरान की तिलावत और जिक्र अजकार के लिए बनाई गई है बस इतनी बात कही आप रद्द अमल कैसे किया बुलाया नरमी से आपने समझाया गुस्सा नहीं किया आपने अब इस रद्द अमल का वो जो कुरान के अंदर बात कही गई है ना कि फ़ाइजी बई न कहो बई नदावत का अन नलीम अगर दुश्मनी भी रहेगी तो अच्छा दोस्त बन जाएगा तो ये जो अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे जब नमाज़ का वक्त हुआ नमाज पढ़ी और उसके बाद ऊंची आवाज़ में दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला मुझ पर रहम कर और मोहम्मद पर रहम कर किसी पर रहम ना कर क्या कहा कि मुझ पर रहम कर मोहम्मद पर रहम पर और किसी पर रहम ना कर अब ने कहा कि अल्लाह की एक वसी चीज़ को इसने तंग बना दिया यानी रहमत अल्लाह की वसी होती है अब सबको रहमत अल्लाह रबी की हासिल होनी चाहिए सबके लिए दुआ होनी चाहिए लेकिन कहा कि मेरे लिए और मामा अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना गलत था लेकिन जो दुआ की उसके अंदर हमारे लिए बड़ी सीख है कि अगर हमारा रद्द अमल दुरुस्त हो तो फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाता है अब देखिए कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द अमल कैसे किया बेहतरीन अंदाज़ में डांटा उटा नहीं आपने गुस्सा भी नहीं किया जबकि साहब है मारने के लिए दौड़ पड़े थे तो जब दुआ की तो अपने साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुआ की वही फ़ैदल ले नदावल अगर दुश्मनी भी रहेगी तो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और ऐसे ही एक और वाक़ है जो आम तौर पर यह वाला वाक़ तो बहुत मशहूर है लेकिन गजब हुनैन के बाद जो माल गनीमत तकसीम किया जा रहा था तो उस मौके पर भी आप का एक रद्द अमल सामने आया था और रद्द अमल क्या था कि एक आरबी वही देहात का रहने वाला शख्स वो भी जंग में शरीक हुआ था अब अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गरीमत आया था तो आपने अपने सवाब दीद के अतबार से जिसको जितना समझा दिया और ख़ास तौर तो पर जो मक्के के अंदर बड़े बड़े सरदारान इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे फतह मक्का के बाद फौरन फ़ौन गज़ेन हुआ था तो जो बड़े बड़े सरदारान हुए थे अब सरदार लोग इस्लाम में आए तो इस्लाम के अंदर साबित कदम रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़्यादा करके दे उनके दिल जोई के लिए और ऐसा होता है इंसान का झुकाव हो जाता है तो आप सलील्ह वसम ने उनकी दिल जोई के लिए उनको माल गनीमत ज़्यादा दिया तो वो जो आरा भी थे आप ऐसे साहबा के दरमियान थे पीछे से आकर आपकी चादर को ज़ोर से खींचा आप फ़ौर नीचे गिर पड़े और कहा कि आपने सब को दिया और मुझे कम दिया इस अंदाज़ में बात कही अब वो उस ज़माने के लोग थे और वो भी देहात के रहने वाले इसमें ताजुब करने वाले कोई बात नहीं होनी चाहिए कि साहबी थे तो ऐसा कैसे कर दिया मतलब वह वो ऐसे माहौल और सोसाइटी में रहते थे कि इसी अंदाज में होता था अब आप को खींचा आप गिर पड़े आप उठे उसको देखकर आपने मुस्कुराया कोई रद्द अमल क्या था कभी कभार मुस्कुराहट इस अंदाज़ में आपका रद्द अमल कि आप पूरे माहौल को बदल सकते हैं वाकई मानों में और सिर्फ बाहर की बात नहीं आप घर के अंदर भी बीवी बच्चों के दरमियान भी आप रहते हैं तो कभी कभार आपका गुस्सा होना ये सब के लिए नुकसानदेह बन जाता है और वहीं पर आपकी मुस्कुराहट इस कदर फिज़ा को बिल्कुल नरम कर देता है कि वहाँ पर आप वाकई मानो में सुकून महसूस करेंगे कि कभी कभार मुस्कुराहट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है तो आप सल्लम ने मुस्कुराया और उसके बाद फिर कहा कि इसको और भी दे दो यहाँ पर उस सहाबी के ताल्लुक से जिक्र नहीं है कि सहाबी का अंदाज़ क्या था नहीं था लेकिन यह कि आप सल्लम का तरीका हमें सीखना चाहिए कि कहीं कहीं पर रद्द के तौर पर हमें सिर्फ मुस्कुराहट ही देना चाहिए सामने वाले को और ये तजर्बात की बात है आप जैसे अपने बच्चों के हवाले से तरबियत के हवाले से आप अगर ये इस बात को नोट करेंगे कि कभी कभार बच्चों के साथ सख्ती वाक़ी हो, मनो होनी चाहिए कभी कभार बेजा सख्ती होती है बेजा सख्ती के बजाय आप नरमी से कभी कभार आप अगर बच्चों से बात करेंगे तो वाकई मानो वह काम आसानी के साथ हो जाता है और जैसा किल्ला के नबीर वसम ने फरमाया है कि अल्लाह रब्लम ने अल्लाह ताला रफीक है नरमी वाला है और रिफ़ यानी नरमी को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है तो नरमी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ैर रखा है और तशद्द के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर रखा है अगर कोई किसी काम को कराना चाहता है तो नरम अंदाज में अगर वो काम करे तो वाकई मानों में काम आसानी के साथ हो जाएगा खुद मैंने अपने बच्चों पे ये तजर्बा किया माशाल्लाह मेरे सात साल के बच्चे वो हाफिज़ क़ुरान बने हैं और मेहनत मेरी तरफ़ से हुई है तो वो मैं तजर्बा आम तौर पर तरबियत के हवाले से करता रहता हूँ तो कभी कभार ऐसे है कि सख्ती तो करनी पड़ती है और कभी कभार ऐसा लगता है मुझे कि नहीं सख्ती नहीं बच्चे के पेशानी पे बोसा दिया और मुस्कुराया अरे तुम बहुत अच्छे से याद कर सकते हो सिर्फ़ ये रद्द अमल वो याद नहीं कर रहा है वो भागने की कोशिश कर रहा है सिर्फ़ एक बोसा और सिर्फ़ एक छोटा सा जुमला उस बच्चे के लिए इतना कारगर साबित होता है कि वो बच्चा फिर खुद से याद करने लगता है भले ही वो आधा एक घंटे तक वो असर रहे लेकिन रहता है और कभी कभार बेजा तशद की वजह से बच्चा फिर बिगड़ जाता है क्योंकि बच्चे को लाड प्यार भी मिलता है फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है जो नरमी के जरिए से हो पाती है तो वाकई मानों में नरमी जो रिएक्शन के तौर पर आप सामने वाले को देंगे तो पूरे माहौल को ही बदल देती है इसलिए रिएक्शन जो है सामने वाले के साथ कैसा रिएक्शन होना चाहिए यह हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम मसला है और आप शहर में रहते हैं शहर में आप देखेंगे लोगों के पास वक्त नहीं होता है इसलिए रिएक्शन बहुत जल्दी से देकर लोग निकल जाते हैं बात-बात में फलाफला किस -किस की, मतलब -फला की गाली देता इंसान रिएक्शन कितना कर वो भी मुसलमान मुसलमान तो छोड़े नमाजी और दाढ़ी रखा हुआ इंसान वो भी जब रिएक्शन देता है तो फौरी तौर पर गाली निकाल देता है यानी हद है बिल्कुल तो ये ऐसा क्यों है क्योंकि गुफ्तगु के आदाब के अंदर सामने वाले से गुफ्तु करते वक्त एक तो झूठ और ये सारी चीज़ जो बताई गई है वो तो होनी नहीं चाहिए लेकिन माहौल जो ख़राब होता है वो रिएक्शन की वजह से और कभी कभार ये गाली फिर आप वापस उल्टा गाली देते हैं और फिर वहाँ रुक जाते हैं और एक दूसरे को फिर लड़ाई पर उतर आते हैं और फिर हाथापाई हो जाती है फिर मामला आगे तक बढ़ जाता है पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच जाती है और फिर आपको वहां पर हाजिरी भी देना पड़ता है सिर्फ एक रिएक्शन की वजह से कि सामने वाले ने गाली दी आप खामोशी के साथ अगर निकल जाए कोई गाली दी उसका मामला है अगर आप रिएक्शन नहीं भी देते कौन सी दुनिया आपसे ख़त्म हो जा रही है आपकी ज़िंदगी चली जा रही है या आपसे कुछ छीन जा रही है नहीं ना गाली दी उसने आप निकल जाए वहाँ पर इसको आप ईगो का मसला बना लेते हैं हा? कि आपकी शख्सियत पे चोट की उसने और फिर आप वापस से दोबारा उस पर हमलावर होते हैं और अपनी बदजबानी उसके सामने उसका इजहार करते हैं तो ये जो अमल है हमारी ज़िंदगी के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है इसलिए अमल के वक्त जो है हमें मुनासिब तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए और गुफ्तु के अंदर ये चीज़ बहुत अहम है कुछ चीज़ें हैं गुफ्तु के अंदर वो मैंने ज़िक्र किया था क़ोल सदी की तफसीर में लहजा कभी कभार बात बहुत मुनासिब होती है सच्ची होती है अल्फाज भी बहुत गिने चुने और चुनिंदा होते हैं लेकिन लहजा बड़ा ख़तरनाक हो जाता है लहजा बड़ा ख़तरनाक आप घर में रहते हैं तो आपके मातहत आपकी औलाद आपकी बीवी है बाहर वाले से आपका लहजा बहुत अच्छा रहता है और घर में आकर आपका लहजा बिल्कुल बदल जाता है आपका लहजा बदल बात सही कर रहे होते हैं लेकिन लहजा बदल जाता है इस लहजे को भी बदलने की ज़रूरत है ये कौल शदीर तभी होगी जब आपका लहजा बदला हुआ होगा कभी कभार आप देखेंगे कि मामला सिर्फ आपकी बात की वजह से नहीं आपके लहजे की वजह से बिगड़ जाता है आपके बोलने का जो लहजा होता है इस लहजे की वजह से मामला पूरा बिगड़ जाता है इसलिए लहजा भी बहुत माना रखता है कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं आपके बात करने का अंदाज़ क्या है किस मौके पर कौन सा लहजा इख्तियार कर रहे हैं यह बहुत माना रखता है गुफ्तु के अंदर इसलिए लहजे को मुनासिब रखना ये भी बहुत अहम है कुरान पढ़िए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों पे गुस्सा होता है होता है कि नहीं होता है आँ काफिरों पे गुस्सा होता है कि नहीं होता अल्लाह ताला कुरान के अंदर ऐसी बात है कहीं आप दिखा दीजिए कि अल्लाह का लहजा बिगड़ गया हो बात करने का जो तरीका है आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अल्फ़ाज है अल्फाज से पता चलता है अल्लाह ताला किस अंदाज़ में बात कर रहे हैं यहाँ पर अल्फाज से लहजे का पता चलता है तो वहां पर आप जरा देखिए कि अल्लाह रब्लम का लहजा कैसा रहता है मूसा से क्या कहा कि जाओ फिराउन के पास फिराउन कौन जो अपने आप को महबूद कहता था अब ये कोई अपने आप को कहता तो अल्लाह ताला को कितना गुस्सा आएगा अल्लाह शिरक को पसंद करता है एक तो सिर्फ को कोई शिर करे वो पसंद नहीं अल्लाह रबीन को जर बराबर और ये वो इंसान है जो लोगों से शिरक करवा रहा है यानी खुद अपने आप को महबूद कह रहा है तो कितना बड़ा सरकश था ये कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुजरिम था लेकिन फिर भी मुसाल सलाम को भेजा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है अल्लाह आलमीन का किस अंदाज कर फिरौन के पास भेजा जा रहा है और बात भी नरमी से करने के लिए कही जा रही है आप जरा सोचिए कि आलमीन वाकई मानो अल्लाह है बुढ़दबार संजीदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर है कि अल्लाह ताला इंसान गुनाह पे गुनाह करता है लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त किए रहता है ये बर्दाश्त की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कामिल मिल्कियत और कामिल क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल जो उसके जलाल के लिए और उसकी ज़ात के लिए लायक और जेबा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी अंदाज में अल्लाह व तआला वो बर्दाश्त करता है तो फिर के पास भेजा जा रहा है क्या कहा जा रहा है लहू कौलन लगे लाअू या तदक करवाओ शायद के वो नसीहत हासिल कर ले या खौफ खाए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है तो फिरौन जैसा सर्कस इंसान उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में कर रहा है तो क्या कह रहा है कि उससे जाकर नरमी से बात करना हो सकता है कि वो नसीहत हासिल कर ले हो सकता है कि वो खौफ खाए जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से इल्म है कि इंसान नसीहत हासिल करने वाला नहीं है लेकिन फिर भी तरीका गलत नहीं होना चाहिए तरीक़ा बदलना नहीं चाहिए तरीक़ा वही रहना चाहिए दावत का गुफ्तगू का जो है अगरचे के सामने वाला इंसान कितना ही बड़ा जालिम और जाबिर क्यों ना हो फिर भी गुफ्तगू का अंदाज़ बदलना नहीं चाहिए तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी देखिए कि लहजे किस अंदाज में कुरान के अंदर बयान किया है और कुरान के अंदर अल्लाह बहुत सारे अंबिया आलम सलाम की गुफ्तु को नक़ल किया है अल्लाहबमीन ने बयान किया है इब्राहीम ने अपनी कौम से किस अंदाज़ में बात की अपने वालद से किस अंदाज़ में बात की इसी तरह से मुख्तलिफ अंबिया आलतम का जिक्र हुआ नू आमाम इसी तरह से शुयब और दीगर अंबिया आलिम उनके कौम के साथ बातचीत का अंदाज़ देखें किस अंदाज़ में कौम धमकी देती थी कौम डराती थी कौम अपने गांव से निकालने की बात कहती थी और ये सिर्फ कहते थे कि क्या तुम उस रब को झुटलाओगे के जो वाकई मानों में इलाह वाहिद हैं जो एक ही महबोध हैं कि उस महूद ने मुझे रसुल बना करके भेजा कभी किसी नबी की बात से अंदाज से गुफ्तगु के तरीके से आप ये नहीं साबित कर सकते कि उन्होंने तशद की इख्तियार किया हो या गुफ्तगु करने का जो तरीका है उस तरीके के खिलाफ गए हो कुरान के अंदर आप देखें मुख्तलिफ नबियों का जिक्र है लेकिन खिलाफ़ तरीक़ा उन्होंने गुफगु का अंदाज़ नहीं अपनाया तो ये चीज़ हमें कुरान से सीखने की ज़रूरत है तो ये जो आदाब गुफ्तु गुफ्तु के आदाब हैं हकीक़त में इससे हमारी शख्सियत की भी पहचान होती है हमारे ईमान की भी पहचान होती है हमारे अखलाक की भी पहचान होती है इसी तरह से हमारी तरबियत की भी पहचान होती है और हमारी ये ज़ात है हम इंसान होने के नाते तो इंसानियत की भी पहचान होती है कि वाक़ी मानों में हम इंसानियत के खूगर हैं और इंसानियत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ये चीज़ भी गुफ्तु के ज़रिए से मालूम होती है इसलिए यह अहम तरीन मसला है गुफ्तु सिर्फ हम ये कहते थे दुरुस्त बात कहो लेकिन उसकी तफसील नहीं जानते यह असल में एक एक चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने की ज़रूरत है बाज नमूने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने पेश किए जितने भी तरीक़े हैं आप गुफगू करते थे ना आप लोग लोगों से करते थे तो गोया कि आपकी की गुफ्तु का जो तरीक़ा होता था वही तरीक़ा हमें होना चाहिए तो गुफ्तु का तरीक़ा नबी वसल्लम का कब किस अंदाज़ में किस तरह का की होनी चाहिए वो फिर अल्लाह के नबी वसल्लम से हमें सीखने की ज़रूरत है तो ये सिर्फ़ एक दर्ज की बात नहीं है बल्कि आप वो किताबें उठाएं जिसके अंदर अल्लाह के नबी वसल्लम के अखलाक की बात कही गई है गुफ्तू का तरीक़ा को बताया गया सीरत की किताब उठाए, सीरत की किताब आप पढ़ें नबीसम किस तरह से साहबा कराम से दुश्मनों से बच्चों से औरतों से और इसी तरह से ग़ुलामों से यतीमों से बात करते थे वो बात करने का तरीक़ा आपको पता चल जाएगा कि वाक़ी मानों में निराले अंदाज में आप लोगों से अलग अलग अंदाज में बात करते थे और यही चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर भी होनी चाहिए तब जाकर हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर सकते हैं और ज़बान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं वरना कि दिन भर में ना जाने क्या क्या चीज़ बोलते रहते हैं किस किस अंदाज़ में गुफगू करते रहते हैं और क़ियामत के रोज़ बाकायदा हिसाब लिया जाएगा ये भी बात आप याद रखें माएलफिमिन कौलिन अक़ीबलाद जो कोई भी लफ्ज़ इंसान निकालता है तो वहाँ पर एक फ़रिश्ता मुकर होता है जो लिख लेता है बायदा इबिन अब्बास रदी अल्लाह तुनों ने इस आयत की रोशनी में कहा कि इंसान जो ये कहता है मैं गया था मैं जाऊँगा मैंने ये काम किया तो ये बात भी लिखी जाती है जरा सोचिए मैंने जैसे अभी मैं गुफ्तु कर रहा हूं जितनी बातें मैंने की सब रिकॉर्ड किया गया सुबह से लेकर शाम तक अभी तक आपने जिससे भी जो बातें आपने कही वो सारी बातें लिखी गई सारी बातें ए टू जेड सारी बातें लिखी गई है तो जरा सोचिए कयामत के रोज ये आपके नामा अमाल में बाकायदा उसको जाहिर किया जाएगा आपके सामने फैलाया जाएगा इसलिए इस बात के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है और आदाबी गुफ्तु क्या होने चाहिए ये नबी सल वसम से हमें सीखने की ज़रूरत है अल्लाह अल्लाब्लमी से दुआ है कि अल्लाह अल्लाब्लमी हमें नबी सल्ह वसम की सुनत को हर मामले में अपनाने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ नबी सली व् की सन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ रब्लम हमें ज़बान पर कंट्रोल करने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँबान के सही इस्तेमाल करने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ ज़बान की हिफाज़त करने की तोफ़ी फरमाए रबालमी जबान से हम दुरुस्त बात कहे इसी बात की हमें तोफ़ी अदा फरमाए अल्लाह ताली हमें जबान से नाज़ेबा कलिमात या फहश गोई से हमें बचाए अल्लान व ताली जो बातें हमने सुनी दीन और कुरान की रोशनी में हदीस की रोशनी में उन बातों को समझने और उन बातों को सीखने और उन बातों पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन वालबी ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान